हेलो स्टाइलो फैम, आप सबका आपके अपने चैनल ब्यूटी से स्टाइलो कुदरत पर स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त कुदरत कौर। तो आप सबको मेरी क्रिसमस इन एडवांस। तो मैंने आज ये वाली मेकअप लुक क्रिएट की है जो आप क्रिसमस के टाइम पर ये वाली मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। डे टाइम करना चाहे तो डे टाइम पर भी कर सकते हैं, अगर नाइट टाइम पार्टी में करना चाहे तो भी इस लुक को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया है। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको ये आज की मेकअप लुक अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की मेकअप लुक अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं गाइस कि आज की ये स्पेशल क्रिसमस लुक मैंने किस तरह अचीव की है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एलेगल का जेल लाइनर ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। तो आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं गाइस, फेस से आपको पता चल गया होगा मेरी थोड़ी हेल्थ भी ख़राब है। कुछ मैं काफ़ी बिजी भी थी, स्ट्रेस्ड भी थी, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मेरी जो हालत है थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ गाइस। तो मैंने अपने आईब्रोज को कर लिया है फिल। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ MN का ये वाला कंसीलर, इसके साथ मैं अपने आईलिड्स को जो है कंसील भी कर लूँगी और अपने आईलिड्स को कंसील कर लूँगी और मैं अपने आईब्रोज़ को जो है इसके साथ ही नीट भी कर लूँगी। तो उसके बाद मैं इसको पूरी आईलिड पे लगा रही हूँ और मैं अपनी फिंगर की हेल्प के साथ ही मैं इस कंसीलर को ब्लेंड करूँगी। तो आज जो मैंने लुक क्रिएट की है बड़ी ही ड्रामेटिक सी लुक क्रिएट की है और बहुत ज़्यादा आई शेडोज़ वगैरह भी नहीं यूज़ किए हैं, जो बिगिनर्स हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये ऐसी ग्लिटरी स्पार्कली सी जो आई लुक होती है वो क्रिसमस के लिए बेस्ट है। तो अगर आप नाइट टाइम यूज़ करना चाहें तो आराम से इस आई लुक को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिसमस की जो थीम है रेड एंड ग्रीन, उसको सोचते हुए मैंने ये वाला आई लुक क्रिएट किया है, बहुत ही बिगिनर्स फ्रेंडली है। तो अब मैं अपने जो आईब्रो के ऊपर वाली साइड है फोरहेड के, उसको भी अच्छी तरह मैं नीट कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एले गर्ल का जो लूज़ पाउडर है, उसके साथ मैं अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ रोमांटिक ब्यूटी का पैलेट, उसमें से ये वाली मैं लाइट ब्राउन सी शेड ले रही हूँ और इसके साथ मैं ट्रांजिशन शेड क्रिएट कर रही हूँ। मैं बहुत ही लाइट रखने वाली हूँ, तो जैसे मुझे इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बढ़ा लूँगी बाद में या घटा लूँगी, जिस तरीके से भी आपको चाहिए। लेकिन आप हमेशा ही प्रोडक्ट पहले कम लें, कम से ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप कम लेंगे तो बाद में आप थोड़ा उसको बढ़ाना चाहे थोड़ा और इंटेंसीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा लगा लिया तो कम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब मैं सेम पैलेट में से ये वाली शेड ले रही हूँ, इसको मैं अपने आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये जो है एक कट क्रीज की तरह आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी कंसीलर वगैरह जो है वो यूज़ नहीं किया है। तो आई शेडो के साथ ही मैं इसको नीट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है हुडा ब्यूटी का ग्लिटर पैलेट और इसका मैंने रिव्यू भी किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका लिंक, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इस ग्लिटर को मैं ब्रश के साथ धीरे धीरे मैं इसको आई शेडो के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और अच्छी तरह मैं इसको लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का पेन लाइनर। ये लाइनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। इसकी जो रिव्यू वीडियो है वो आ रही है, इसके बाद आएगी आई थिंक, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मैं बहुत ही छोटा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ, कोई भी लॉन्ग विंग वगैरह क्रिएट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो आईज़ हैं ऑलरेडी बहुत ड्रामेटिक सी हो गई हैं ग्लिटर अप्लाई करने के बाद। तो अब मैं ये थोड़ी सी डार्क वाली शेड ले रही हूँ और अपनी ट्रांजिशन शेड को थोड़ा सा मैं और डार्क एंड अप कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ी और डार्क चाहिए, तो थोड़ी सी मैं इसको डार्क एंड अप कर रही हूँ और साथ ही मैं इसको ब्लेंड भी कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं एले गर्ल का जो प्राइमर है वो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पोर्स वगैरह हैं तो ये उनको बिल्कुल भी फिल नहीं करेगा। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और मैं उसके बाद एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर लेकर जहाँ जहाँ भी मेरे फेस पर डिसकलरेशन है वहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ और मैं उसके बाद इसको फिंगर की हेल्प के साथ ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि फिंगर की हेल्प के साथ जितना अच्छा प्रोडक्ट ब्लेंड होता है उतना अच्छा किसी के साथ नहीं होता है।
यहाँ पर मैं फोकलियर फाउंडेशन की टू शेड्स ले रही हूँ, क्योंकि एक शेड डार्कर है मेरी स्किन टोन से, एक लाइट है, तो मैंने दोनों को किया है मिक्स। डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, अपने नेक पर अप्लाई करूँगी। तो उसके बाद मैं पहले इसको जो है ब्रश की हेल्प के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद फिर से मैं MN का वही कंसीलर ले रही हूँ जो मैंने आईलिड पे यूज़ किया था। उसको मैं अंडर आईज़, अपनी ब्रिज ऑफ माई नोज़, उसको मैं फोरहेड के ऊपर भी लगाऊंगी। आप देखेंगे कहाँ कहाँ मैं लगा रही हूँ इसको। मैं हाईलाइट अपने फेस को करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका बेस भी अच्छा होगा। फिर से मैं वही एले गल का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पर भी मैंने हाईलाइट के लिए कंसीलर लगाया है पहले मैं वहाँ उसको सेट करूँगी, और उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प के साथ अपने पूरे फेस पर इसको लगा लूँगी और पूरे फेस को सेट कर लूँगी। क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ये ट्रांसफ़र होती है, तो इसको सेट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये फोकलियर फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ड्यूई फाउंडेशन है ये। बट फिर भी आप थोड़ा सा अपने फेस को ज़रूर सेट कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फाउंडेशन ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह मैं थोड़ा सा कट भी कर रही हूँ ताकि जो मेरी फेस की शेप है वो अच्छी सी आ जाए। तो अब फिर से मैं थोड़ा सा कंसीलर ले रही हूँ और मैं अपनी ब्रो बोन को थोड़ा सा नीट कर रही हूँ ताकि जब मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँ तो अच्छी लगे। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन का कोलोसल काजल, तो इसको मैं लगा रही हूँ। मैं नीचे को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक जो है वो नहीं क्रिएट कर रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट सी लुक रखने वाली हूँ। तो मैं इसको अप्लाई कर लूँ। तो अब मैं इनर साइड पर जो है मैं विंग क्रिएट कर लूँगी, बहुत ही प्यारा लगेगा। आप लगने के बाद देखिएगा लुक कितनी अच्छी लगेगी। तो आप देखिए पूरी ही लुक चेंज हो गई है। तो मैंने नीचे भी जो ब्राउन शेड वो मैंने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई की थी, वो आई थिंक स्किप हो गया। तो अब मैं यहाँ पर फोकलियर का ये वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें हाइलाइटर एंड कंटोरिंग शेड है, तो कंटोरिंग शेड लेकर मैं अपने फेस को जो है कंटोर कर लूँगी। कंटोरिंग के साथ आपका फेस बहुत प्यारा लगने लग जाता है, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा हैवी है तो। मैं अपने नोज़ को भी एक प्रिसाइज ब्रश की हेल्प के साथ नोज़ को भी जो है कंटोर कर लूँगी ताकि एक शार्प जो नोज़ है वो लगे मेरा। तो गाइज़ आप हमेशा ही कंटोरिंग अपने फेस के अकॉर्डिंग करिएगा, ये नहीं है कि मैं भी जहाँ पर कर रही हूँ वहाँ पर ही आपको कंटोरिंग करनी है। तो मैं थोड़ा सा फिंगर की हेल्प के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर ये है ब्रॉन्जर उषा का, लेकिन मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी, मैं आपको बताऊँगी किस तरह मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये पैलेट में से मैं थोड़ी सी कोरल पीची शेड लेकर मैं ब्लश ऑन कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर मैंने वही वाला जो मैंने आपको ब्रॉन्जर दिखाया था उषा का, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा जो शेड है वो चेंज हो जाएगा ब्लशर का, तो अच्छा लगेगा लुक। तो मैं इस तरह लगा रही हूँ। अब मैं एक क्लीन ब्रश की हेल्प के साथ जो भी हार्श लाइंस हैं तो मैं उसको थोड़ा सा नीट कर रही हूँ ताकि नेचुरल सा लगे थोड़ा। तो अब मैं हाइलाइटर इसी पैलेट में से ले रही हूँ। ये हाइलाइटर बड़ा ही प्यारा हाइलाइटर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही नेचुरल आपको ग्लो देता है, कोई भी शिमरी पार्टिकल जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बहुत ही नेचुरल आपके फेस को जो है वो ग्लो देता है। तो मैं अपने फेस के जितने भी हाईएस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ भी मुझे ग्लो के लिए इसको अप्लाई करना है मैं इसको लगा लूँगी। अब मैं आईलैश कर्लर की हेल्प के साथ अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं फोकलियर का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अपनी अपर एंड लोअर लैशेस को मैं इसके साथ कोट करूँगी और मैं ऑफलाइन जो है मैं अपनी फॉल्सीज भी लगाऊंगी। तो आप अगर चाहते हैं तो फॉल्सीज लगा लें, थोड़ी सी ड्रामेटिक सी लुक हो जाएगी जो कि क्रिसमस के लिए परफेक्ट लुक है। तो अब मैंने फिर से वही वाला हाइलाइटर लिया है, तो मैं अपनी इनर कॉर्नर्स को हाइलाइट कर रही हूँ। तो हाइलाइट करने के बाद गाइज आप देखिएगा कि लुक बिल्कुल ही जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम मैंने किस हाइलाइटर को ब्यूटी मैं अपनी का ब्रो बोन पर भी लिप लगा रही लाइनर हूँ। एंड विविड मैट जो लिपस्टिक है मेबिलिन की वो यूज़ की थी। ये है लिखा तो मैट है बट है नहीं है मैट, ये बहुत ही ब्लीड करने लग जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डॉक्टर अशील की सेटिंग स्प्रे के साथ अपने फेस को किया है सेट। तो हेयर इज़ द फाइनल लुक गाइज। तो कैसी लगी? बहुत ही आसान सी लुक मैंने क्रिएट की है आप सबके लिए।
तो बिगनर्स भी आसानी से कर सकते हैं आप, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए। तो मैरी क्रिसमस गाइस इन एडवांस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो कोशिश करूँगी कि मैं और भी क्रिसमस की जो लुक्स हैं वो मैं अपलोड करूँ बिफोर क्रिसमस। तो गाइस अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। लाइक करना मत भूलिए, अगर आप भूल गए हैं पहले लाइक करना तो अब लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी गाइस। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।